मैं काट के भी दिखाती हूँ आपको, बहुत मजेदार सा हुआ है। ये बन गया है पोटैटो ब्रेड चीज रोल, ठीक है, काफी खूबसूरत है। देखिए बच्चे तो खुश हो जाएंगे, कितना बहुत ही एकदम बड़े रेस्टोरेंट जैसा बना है, होटल जैसा बना है। पोटैटो ब्रेड आप देख सकते हो, आपके सॉस के साथ में और चटनी के साथ में, ठीक है, और आपका सेजवान चटनी जो होगा उसके साथ में, आप वो सब के साथ में आप खा सकते हो, ठीक है। तो आप हमारा चैनल इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, तो आपको हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो ब्रेड चीज़ रोल, जिसके लिए मैंने दो आलू लिए और इसे मैंने क्रश कर लिए, अच्छे से होना चाहिए, इसकी गांठ नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने ऐसा किया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्ची लिया है, देख सकते हो आप, दो चम्मच क्रश किया हुआ गाजर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, एक प्याज ये भी क्रश किया हुआ लिया मैंने, चार से पाँच चम्मच, यहाँ पे हरा धनिया, दो से तीन हरी मिर्चें, आप चाहें तो मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चम्मच एक टेबल स्पून लेमन जूस। अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं, देख सकते हो आप, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स एक चम्मच, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे चार से पाँच चम्मच कॉर्नफ्लावर, और नमक भी इसमें था, वो सब मिला के हम मिक्स कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कम लगेगा कि हाँ आलू गीला हो रहा है, तो हम इसमें और भी कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम पोटैटो चीज़ ब्रेड चीज़ रोल बना रहे हैं, तो थोड़ा सूखा होना चाहिए। बहुत अच्छी, सॉरी, और अभी इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये देख सकते हो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने एक चम्मच और लिया है, और एक चम्मच मैंने यहाँ पे केचप लिया है, थोड़ा चीज़ डाल के बना रहे हैं तो इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज होना चाहिए, बहुत मज़ेदार सा बनता है। और यहाँ पे हम एक चम्मच रेड चिली सॉस डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैंने अच्छे से इसका डो बना लिया है, अब हम इसे रख देते साइड में। पाँच चम्मच मैदा लिया हुआ है, अब इसका एक बैटर तैयार करेंगे, और चार चम्मच हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं, एक पतला सा घोल तैयार करेंगे इसके लिए। यहाँ पे मैं तो आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, इसका पतला सा एक और तैयार करेंगे, एक साथ पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। अभी आप देखिए, ये मैंने ब्रेड लिया है और इसके साइड से मैंने कट कर लिया है, इसका पूरा मैंने कट करके निकाल लिया है, एक हार्ड होते हैं। अब मैं इसे एक एक करके बता, देखिए मैंने ये ले लिया है, और इसे पतला पतला ही रोल बनाना है, नहीं तो आप ब्रेड में डालेंगे ना तो बहुत मोटा हो जाएगा। पहले इसे हम ऐसे रोल बना लेते हैं, और एक बता देती हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और अपनी इफ्तारी में शामिल करिए, और बताइए कैसा बना, कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, देख सकते हो। अब एक एक करके हम बना लेते, ये देखिए हमने ऐसे बना के रख लिया है, इसके रोल्स बना लिए, अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेड लिया है स्लाइस, इसको बेल लेंगे।
इसका जो स्पंज है वो कम हो जाए, रोटी के फॉर्म में आ जाए। देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ लिया हुआ है, चीज़ स्लाइस, ऐसे खोलना है। फिर यहाँ से हमने ये स्लाइस जो बाज़ार में अवेलेबल है कहीं भी मिल सकता है, तो हमने ऐसे स्लाइस लिया। हमने अमूल का लिया हुआ है, अब इसमें हम ब्रेड से इसे हम काट लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। इधर डालते और हम एक रोल लेते यहाँ पे, और इसे अच्छे से फोल्ड कर देते। अब यहाँ पे हम वो जो घोल बनाए थे उसमें से लेके चिप लगा के चिपका लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं ये ले रही, इसे हम इसमें डुबा देंगे। अब ये चाय तो हम फ्रीज करके भी, ये मैंने ब्रेड कम लिया है देख सकते हो आप, इसमें हम कोट कर लेते हैं। चाय तो हम इसे फ्रीज करके 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं। ऐसे ही करके मैं एक एक करके बना के रख। अब ये हमारे ब्रेड ख़त्म हो गए, ये बचे हुए हैं, तो इसको भी हम बता दे रहे हैं कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं डिप करूँगी, यहाँ पे डिप करूँगी और इसे ब्रेड क्रम में लगा के ये पोटैटो रोल हो जाएगा सिंपल, देख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही एक एक करके हम तैयार कर लेते हैं। ये चीज़ ब्रेड चीज़ पोटैटो ब्रेड चीज़ रोल तैयार हो गया है, गर्म करके कोट करके मैंने रख दिया है। आप चाहें तो 3 से 4 दिन फ्रीज कर सकते हो। अब ये जो बचा हुआ था आलू, तो पोटैटो रोल से ये इसको भी मैंने कोट करके रख दिया है। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। पैन लिया हुआ है, ऑयल डाला है, गरम भी हो चुका है देख सकते हैं। तो हम एक एक करके इसमें फ्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो हम एक एक करके डालते जाएंगे, ज़्यादा नहीं डाल रही, 3 ही फ्राई कर रही। थोड़ा मैंने ऑयल कम लिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके ऑयल डालते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा बनता है, बच्चे तो खुशी हो जाएंगे, रोज़ेदार बच्चे रहेंगे ना बहुत शौक से खाएंगे, चीज़ तो उनको बहुत पसंद आती है। तो आप अपने रमज़ान इफ्तारी में शामिल करिए, बड़े भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। देखिए ये देखिए फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकालती हूँ। ऐसे ही करके मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए हमारा पोटैटो ब्रेड चीज़ रोल बनके तैयार है, बहुत क्रिस्पी सा तैयार हुआ है, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा है, बहुत ही गर्म है अभी। हाँ, और मैं काट के भी दिखाती हूँ आपको, बहुत मज़ेदार सा हुआ है। ये बन गया है पोटैटो ब्रेड चीज़ रोल, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए बच्चे तो खुश हो जाएंगे, कितना बहुत ही एकदम बड़े रेस्टोरेंट जैसा बना, होटल जैसा बना पोटैटो ब्रेड चीज़ रोल। आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार बना है और काफ़ी क्रिस्पी है और काफ़ी स्वादिष्ट है और काफ़ी टेस्टी भी है, और सेम बड़े जैसे बड़े रेस्टोरेंट में आप बनाते हो सेम वैसे ही बना हुआ है। आप देख लो कितना अच्छा बना हुआ है ये,
आप देख सकते हो, आपसे सॉस के साथ में और चटनी के साथ में, ठीक है, और आपका सेजवान चटनी जो होगा उसके साथ में, आप वो सब के साथ में आप खा सकते हो उसको, ठीक है। तो आप हमारा चैनल इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, तो आपको हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप वीडियो शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये डिश कैसी लगी, और आप भी एक बार ये घर पर बना के ट्राई कीजिए, और आप भी बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको डिश कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप ये सॉस से देखिए कितना बहुत ही ज़बरदस्त बना है, सुपर बना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगले वीडियो में, और ज़रूर बताइएगा ये डिश कैसी लगी, ठीक है। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।